आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचुरल ट्रेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट की, जो घरों की सुंदरता को बनाए रखने में विशेष सहायक है, आपके तनाव को कम करने वाला होता है और एयर के प्यूरिफिकेशन में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। घरों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ एयर को प्यूरिफाई भी करता है और आपके तनाव को दूर भी रखता है। आज हम इसके औषधीय गुणों की चर्चा करेंगे। हम लोग साइंटिफिकली इसको ट्रेडेस्केंटिया जबरीना के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। कोमिलिनेसी फैमिली का ये प्लांट है। इंच प्लांट भी कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज प्लांट भी कहते हैं, इंडियन पेंट भी कहते हैं। कई प्रकार से औषधीय गुणों के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं। मूलतः मित्रों, ये पित्त प्रकृति का शमन करने वाला होता है। इसके पत्र का जूस हम उपयोग में लाते हैं। 5 से 7 ml पत्र का जूस जब हम पीते हैं तो हमारे पित्त को शांत करने का कार्य करता है और पित्त से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। मित्रों, ये प्लांट हॉर्मोन्स के रेगुलेट करने के साथ साथ हॉर्मोन्स से संबंधित डायबिटीज़, बॉडी की ग्रोथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अल्सर, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस, इन सबको ठीक करने का कार्य करता है। ये नेचुरल लेग्जेटिव का कार्य करता है। इसके पत्रों का जूस लेग्जेटिव कार्य करते हैं। इसके पत्र की पुलटिस आप बांधते हैं तो इसके पत्र की जो पुलटिस होती है वो सूजन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए, घाव को भरने के लिए विशेष उपयोगी होती है। त्वचा की कांति के लिए आप इसके पत्र का पेस्ट लगा सकते हैं। मित्रों, इसके पत्रों का जूस कैंसर के लिए भी उपयोग में आता है और ट्यूमर्स की समस्या हो उसको भी हील करने का कार्य करता है। पित्त का जब शमन हो जाता है तो पित्त से जुड़े हुए कई प्रकार के डिसऑर्डर्स आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसका जूस टॉक्सिन्स को भी शरीर से रिमूव करने का कार्य करता है। डिमेंशिया की समस्या, पार्किंसन डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें कि पार्किंसन डिसऑर्डर्स में और डिमेंशिया दोनों ही न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, इन सब के लिए आप इसके पत्रों का जूस पीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि रोगी की अवस्था सुधरने लग जाती है, रोगी को लाभ होता है। और आपने अगर इसको घर में अच्छे से लगाया है तो लेना ज़्यादा फायदेमंद है। घर की सुंदरता के साथ साथ औषधीय उपयोग में भी आप इसको अवश्य लाएँ। इसका डिकॉक्शन बनाकर आप इसका जड़ का आप डिकॉक्शन बना लीजिए। नीचे इसकी रूट्स निकलती हैं, उनका आप डिकॉक्शन बना लीजिए, क्योंकि ये पूरा प्लांट ही औषधीय गुणों के लिए उपयोग में लाते हैं। प्रोपेगेशन तो बहुत आसानी से इसका हो जाता है। कोई भी ट्विग आप इसको कहीं से नोड्स पे इसको तोड़ के और आप इसको लगा दीजिए, आसानी से हो जाता है। और जब आप इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में विशेष सहायक होता है। कान की दर्द की समस्या हो, फीवर की समस्या हो, उनको भी ये ठीक कर देता है। बहुत अच्छा कार्य करते हुए हीलिंग को बढ़ाने का, हीलिंग को फास्ट करने का कार्य करता है। लीवर डिसऑर्डर्स में, किडनी डिसऑर्डर्स में डायूरेटिक का ये कार्य करता है। यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स में विशेष उपयोगिता होती है। किडनी स्टोन हो उसको भी ठीक करने का कार्य करता है। प्रोस्टेट की समस्या में भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। मित्रों, क्योंकि ये आसानी से लग जाता है और कई प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी से संबंधित टेस्टिंग के लिए भी हम लोग साइंटिफिकली इसको उपयोग में लाते हैं। कॉस्मेटिकल फॉर्मुलेशंस में भी आजकल इसके एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है, एंटी रिंकल क्रीम्स के तैयार करने के लिए और कई प्रकार के इनोवेटिव बायोमेडिसिंस के बनाने के लिए भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल प्लांट है। आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ आप घर की सुंदरता के लिए इसको घर में तो लगाते ही हैं, बदलते हुए मौसम में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी आप इसके 3 से 4 पत्र का उपयोग प्रतिदिन कर सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है, हार्ट को मजबूती देने का कार्य करता है, लंग्स की ब्रोंकाइटिस की समस्या उसको भी ठीक करने का कार्य करता है, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स को ठीक करने का कार्य करता है, अल्सर हील करने का कार्य करता है, साथ ही साथ लेग्जिटिव का ये कार्य करता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के केस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिमेंशिया और पार्किंसंस के डिसऑर्डर्स के कंडीशंस को भी ये पेशेंट की सुधारता है। मित्रों, इसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई अवश्य करना चाहिए और सही स्थान पर अगर लगा हुआ प्लांट रहता है
को अच्छे औषधीय गुणों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जिस भी स्थान से आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं उसके इसके मेटाबोलाइट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर ये सही कंडीशन में नहीं लगा हुआ है, हैवी मेटल्स या सॉइल की टॉक्सिसिटी एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, तो उसका आप ध्यान रखिए, अन्यथा पूरी तरह से सेफ है। आप इसको अच्छे से ऑर्गेनिकली लगाइए और अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लाइए। ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करते हैं तो टॉक्सिक हो सकता है, लिमिटेड अमाउंट में रेशनली आप इसका उपयोग कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेफ्टी का विशेष ध्यान रखिए, प्लांट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के पॉलीफेनोलिक कंपाउंड, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी कैंसरस इसका पोटेंशियल होता है। पर्पल लीव्स इसके बैक साइड से आप देखेंगे तो हो जाते हैं, और इरिगेशन का काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसके लीव्स के कलर के ऊपर। ये आपको ग्रीन दिख रहा है, अगर आप प्लांट की एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक इरिगेशन नहीं देते हैं तो इसके ये जो लीव्स हैं ये दोनों ही तरफ से डार्क पर्पल हो जाते हैं। इरिगेशन से इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, मेटाबोलाइट्स का बायोसिंथेसिस भी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सेफ्टी का विशेष ध्यान रखिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य साझा करें। कल फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।